हेलो एवरीवन, आई एम आकाश पांडे। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं अबाउट आइसोमेट्रिक कमांड्स। जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं सीरीज वाइज ऑटो कैट को लेके आ रहा हूँ। जैसे कि मैंने 8th एंड 9th क्लासेस खत्म कर दी, ये 10th क्लास है। इस क्लास में हम लोग आइसोमेट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइसोमेट्रिक क्या होता है सबसे पहले ये जानिए आप। जैसे देखिए, इस ड्राइंग को देखिए, यहाँ पर एक टेबल पड़ा हुआ है जिस टेबल पे चेयर और टेबल मिक्स है। जिसमें देखेंगे तो जैसे लग रहा है जैसे एक 3D है, बट ये 3D नहीं है, ये लग रहा है जैसे 3D है। तो ऐसे ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं आइसोमेट्रिक, ऐसे ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं आइसोमेट्रिक। ओके, तो इस तरह के ज्योमेट्री को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम लोग पहले पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम लोग समझेंगे कैसे ड्राइंग को बनाते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर ऑटो कैड। आफ्टर इट सी, अभी देखिए क्या है, ये 2D में है। ओके, फॉर आइसोमेट्रिक गो टू स्नैप सेटिंग, गो टू स्नैप सेटिंग्स एंड जस्ट क्लिक ऑन आइसोमेट्रिक स्नैप, आइसोमेट्रिक स्नैप एंड देन ओके। सी योर कर्सर इज चेंज ना, योर कर्सर इज चेंज इन आइसोमेट्रिक, योर कर्सर इज चेंज इन आइसोमेट्रिक। फॉर चेंजिंग द प्लेन यूज F5 बटन। सी F5 बटन से देखिए कर्सर चेंज हो रहा है। ये जो आइसोमेट्रिक होता है ये 3 डायरेक्शन में चलता है। कौन कौन से डायरेक्शन में? लेफ्ट राइट टॉप, अगर आपको देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, लेफ्ट टॉप राइट। देखिए इससे में हमारा राइट में, इसमें हमारा लेफ्ट में, ये हमारा टॉप, ठीक है। इस तरह से 3 डिफरेंट प्लेन में ये चलता है। प्लेन को चेंज करने के लिए कीबोर्ड में हमारे पास F5 नाम की बटन होती है, F5 नाम की बटन से हम लोग करते हैं। कुछ लैपटॉप में F5 से नहीं होगा तो फंक्शन प्लस F5 होगा, Fn प्लस F5। तो इन दोनों बटन को एक साथ करेंगे तो हमारा आइसोमेट्रिक होने लगता है। ओके, चेंज प्लेन हमारे चेंज होने लगते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रूल्स देखेंगे। आप इसको लिख सकते हैं रूल्स को, फॉर आइसोमेट्रिक कैसे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, गो टू स्नैप सेटिंग्स, स्नैप सेटिंग इज हियर, स्नैप सेटिंग्स एंड देन आइसोमेट्रिक स्नैप। तो यही हमने स्टेप यहाँ पर लिख रखा है कि गो टू स्नैप सेटिंग्स एंड देन आइसोमेट्रिक स्नैप। ओके, स्नैप। आफ्टर इट फॉर चेंजिंग द प्लेन यूज F5 बटन। F5 बटन से हम लोग अपने प्लेन को चेंज करेंगे। जिसके में F5 से नहीं हो रहा है, F5 प्लस फंक्शन क्लिक कर दे। ओके, सॉरी, F5 प्लस फंक्शन ऐसा करेगा तो उसका प्लेन चेंज होने लगेगा। आइसोमेट्रिक के अंदर हम लोग सर्किल कमांड को यूज नहीं करते हैं, और साथ ही साथ सर्किल को बनाने के लिए हम लोग को इलिस्ट पे जाना पड़ता है, फिर राइट क्लिक करके आइसो सर्किल लेना पड़ता है। ओके, एंड ऑफसेट कमांड को भी यूज नहीं करते हैं। लेकिन आप लिखें, ऑफसेट कमांड डज नॉट यूज इन सेम प्लेन, ऑफसेट कमांड डज नॉट यूज इन सेम प्लेन, सेम प्लेन पे आइसोमेट ओपन लूप, सॉरी ओपन लूप, ओपन लूप में हम लोग नहीं करते। ओपन लूप इन द सेंस जो ज्वाइन ना हो, दैट इज योर ओपन लूप, और ज्वाइन है तो उसको अगर हमें ऑफसेट करना है तो ऑफसेट की जगह पे यहाँ पे हम लोग कॉपी कमांड यूज करते हैं। उसके लिए कौन सी कमांड यूज करेंगे? कॉपी कमांड यूज करते हैं। एंड वन मोर थिंग, ऑर्थो, आपको ऑर्थो पता ही है, मैं लास्ट सेशन में बता चुका हूँ। जिसको नहीं पता है पुराने वीडियोज को आप देखिए, तो आपको समझ आ जाएगा। ऑर्थो ऑलवेज ऑलवेज ऑन, ऑर्थो ऑलवेज ऑन, और ऑर्थो की शॉर्ट की होती है F8, ऑर्थो की ऑलवेज, ऑर्थो की शॉर्टकट की होती है F8। ओके, तो ऑर्थो हम लोग ऑन में रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो आइसोमेट्रिक होता है ये केवल और केवल 30 के एंगल पे रोटेट होता है, 30 के एंगल पे रोटेट होता है, मतलब 30 के मल्टीपल, 30, 60, 90, 120, बस इतने पे ही चलता है, ठीक है। चलिए जैसे मैं आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ बना के, जो लगेगा जैसे 3D बट 3D नहीं होगा, तो उसको हम लोग आइसोमेट्रिक बोलते हैं। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक लाइन कमांड एंड सी, फर्स्ट यू ऑन योर ऑर्थो। अब देखिए ऑर्थो ऑन किया, देखिए इसमें एंगल कितना बना रही है, 30 का एंगल बना रहा है। ओके, अभी जैसे इधर गए, देखिए 30 का एंगल बना रहा है, इधर गए, ये देखिए 30 के मल्टीपल में 150 का एंगल बना रहा है, मींस 30 का ही ये एंगल बनाएगा हर जगह। अब जैसे मैंने लिया 100, अब ऊपर की ओर जाना है हमें, F5 बटन में क्लिक कर दिया, 100 क्लिक कर दिया फिर से, और फिर से हमने F5 बटन यूज किया एंड अगेन 100 इस तरह था। फिर से हमने F5 बटन यूज किया और यहां पे लिखा 100 100 और इसको मिला दिया इस तरह से, और मिला के ये देखा। अब देखिए जैसे कि ये लग रहा है जैसे ये कोई बुक हो, ये बुक की तरह लग रहा है, और ये 3D नहीं है, 2D है, और 2D भी नहीं है, ये आइसोमेट्रिक है। ओके, ऐसे हम लोग जब ऑब्जेक्ट को बनाना होगा तो हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग का यूज करते हैं। ओके,
इस तरह के ड्राइंग्स में अब देखिए हमने कुछ रूल्स को फॉलो करके देखते हैं। जैसे कि हमने पहले लिखा है कि सर्किल कमांड नेवर यूज, मतलब सर्किल कमांड को कभी नहीं यूज करते। व्हाई? सी, इफ यू टेक सर्किल फ्रॉम हियर, व्हाट्स हैपन। अब देखिए जो ये मेरा है, ये जैसे बाहर आ रहा, ठीक है, ये फ्रेम जो है इसे बाहर आ रहा, और सर्किल हमारा ऐसे जैसे फ्रंट में ऐसे चपका हुआ हो, मीन्स इसके एक्सिस के अराउंड नहीं है, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते। इसको यूज करने के लिए, मतलब यहाँ पर सर्किल बनाने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा आइसो सर्किल पे, सॉरी इलिप्स पे, इलिप्स जाके एक्सिस इन एंड देन राइट क्लिक, ऑप्शन इज हियर आइसो सर्किल। इस सर्किल की खासियत क्या होती है, देखिए इस तरह से, देखिए एकदम उसी प्लेन में है। इसका प्लेन भी आप चेंज कर सकते हैं F5 बटन से। देखिए अगर ये प्लेन चाहिए, वैसे हमें चाहिए नहीं, ये प्लेन चाहिए, चाहिए नहीं, हमें ये प्लेन चाहिए, तो हम इस प्लेन में प्रॉपर कर सकते हैं। ओके, सेम आइसो सर्किल इस तरह से, ठीक है। और मिरर, अब एक और नया रूल है इसमें, एक और मिरर कमांड डज नॉट यूज इन सेम प्लेन। मिरर कमांड डज नॉट यूज इन सेम प्लेन। ओके, सेम प्लेन पे मिरर कमांड यूज नहीं करते। देखिए क्यों नहीं यूज करते, सॉरी, देखिए यूज क्यों नहीं करते हम लोग सेम प्लेन पे मिरर कमांड, क्योंकि इफ यू क्लिक हियर एंड देन, अगर आपने ऐसे कोई ऑब्जेक्ट खींचा है, ठीक है, ये हमने खींचा है, अब इसका अगर मिरर कराना हो यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते थे, नॉर्मल तरीके से इसको सेलेक्ट करते थे और इसके बाद यहाँ पे मिरर कमांड लेते थे, MI इंटर करते थे, यहाँ पे क्लिक करते थे और देखिए ऐसे कर देते थे। बट देखिए इसमें इसमें मिरर कहाँ पे हो रहा है, मिरर कहीं और पे ही हो रहा है, मीन्स सेम प्लेन पे, सेम प्लेन इन द सेंस कि ये जो है हमारा एक प्लेन है और ये जो हमारा डिफरेंट प्लेन है। ओके, तो ये सेम प्लेन नहीं, ये डिफरेंट प्लेन होगा, ये अलग प्लेन है और ये अलग प्लेन। ओके, तो डिफरेंट प्लेन पे हम लोग मिरर कर सकते हैं, मतलब सेम प्लेन पे नहीं कर सकते, डिफरेंट प्लेन पे कर सकते हैं। सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मिरर कमांड लिया और यहाँ पे मिड पॉइंट पे क्लिक किया। अब देखिए एग्जैक्ट दूसरे डायरेक्शन में देखिए, तो एग्जैक्ट यहाँ पे मिरर हो रहा है। दैट मीन डिफरेंट प्लेन पे हम लोग कर सकते हैं, सेम प्लेन पे हम लोग मिरर नहीं कर सकते। ओके, तो ये हमारा आइसोमेट्री का रूल था। और इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा, ऑफसेट कमांड डज नॉट यूज इन ओपन लूप। ओपन लूप इन द सेंस, देखिए ये जैसे ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है, दीज आर ओपन लूप, मीन्स इस पे ऑफसेट कमांड नहीं चलेगा। क्यों, देखिए सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ से हम लोग ऑफसेट कमांड लेते हैं और ऑफसेट कमांड लेने के बाद यहाँ पे क्लिक किया और डिस्टेंस दे दिया हमने, सपोज डिस्टेंस दे दिया हमने 10 का सी। अब देखिए ऑफसेट क्या होता था, नॉर्मली ऑफसेट जस्ट नीचे आता था या जस्ट ऊपर जाता था, ऐसा ऑफसेट यूज होता था। जिसने ऑफसेट कमांड को नहीं देखा, हमने ऑफसेट कमांड के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप देखना, तीसरे या चौथे सीरीज में हमारे पास अवेलेबल है, तो उसको देखिए तब समझिए ऑफसेट कैसे करते हैं। ओके, तो ऑफसेट जो होता है इसमें देखिए डायरेक्ट हम ऑफसेट नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि ऑफसेट नीचे जाता है और ये बाहर की ओर आ रहा है, दैट मीन ये गलत है। ओके, तो यहाँ पर ऑफसेट करने के लिए हम लोग को कॉपी कमांड यूज करना पड़ेगा। देखिए सिलेक्ट किया और यहाँ जैसे कॉपी करेंगे, देखिए एग्जैक्ट कॉपी आ रहा है, That is the right way. तो यहाँ पर ऑफसेट करने के लिए अगर ओपन लूप में ऑब्जेक्ट है तो आपको कॉपी कमांड को यूज करना पड़ेगा। ओके, एंड अगर ये क्लोज लूप है, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया और इसको हमने जे इंटर, जे मीन्स ज्वाइन, जे इंटर किया, अब ये क्लोज लूप हो चुका है, अब इसको ऑफसेट हम कर सकते हैं। ये लिया और ये लिया, मैंने सपोज 20 का या 10 का हमें ऑफसेट करना है, देखिए एग्जैक्ट ऑफसेट हो रहा है हमारा प्रॉपर उसी जस्ट नीचे, मीन्स अब सही है। तो क्लोज लूप होगा तो ऑफसेट कर देंगे, ओपन लूप होगा तो ऑफसेट नहीं करेंगे, उसके जगह पे कॉपी कमांड यूज करेंगे, सेम प्लेन होगा तो मिरर नहीं करेंगे, डिफरेंट प्लेन होगा तो हम लोग मिरर कर देंगे, सर्किल कमांड हम लोग यूज नहीं करेंगे, सर्किल के लिए हम लोग आइसो सर्किल यूज करेंगे, इलिप्स पे जाके राइट क्लिक करके आइसो सर्किल लेंगे। ओके, एंड ऑर्थो कमांड को हम लोग हमेशा ऑन रखेंगे, क्योंकि 30 के एंगल पे तभी जाएगा जब ऑर्थो हमारा ऑन रहेगा। और प्लेन को चेंज करने के लिए F5 बटन का यूज करेंगे और F5 बटन से हम लोग प्लेन को चेंज करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज आइसोमेट्रिक। ये आइसोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट था। आइसोमेट्रिक को मैं 3 से 4 पार्ट में बनाने जा रहा हूँ। इसके बाद हमारा सेशन स्टार्ट होगा प्लान पे। तो प्लान पे हम लोग पहले प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करके उसका सेक्शन, एलिवेशन, वोस पे काम करेंगे और फिर उसके बाद हमारा 3D सेशन स्टार्ट होगा। तो मोर देन 50 वीडियोस बनने जा रहे हैं ऑटोकैड पे और कोशिश करूंगा कि एक एक चीज आपको ऑटोकैड के अंदर समझाई जाए, एक एक पैलेट के बारे में मैं कोशिश करूंगा, डिफाइन करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे भी इनकरेज करिए। इनकरेज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है वीडियोस को और उनको बताना है कि यूट्यूब एक चैनल है जिसपे जैसे क्लास में सिखाया जाता है उसी तरीके से यूट्यूब पे सिखाया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत अच्छे सब्सक्राइबर मेरे अच्छे बढ़ रहे हैं और व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। सो ऐसे ही आप लोग करते रहिए तो
मोर देन 10 सॉफ्टवेयर पे ऐसे ही जैसे एक नॉर्मल लैंग्वेज में वीडियो बना के जैसे क्लास में मैं पढ़ाता हूँ उसी तरह से यहाँ पे पढ़ा के मैं आपको वीडियो तैयार करके दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस।